हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे चैप्टर 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का। तो क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन इट। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3/4 हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसे हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, यहां पर ये 0 दे रखा है और यहां पर ये 1 दे रखा है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है हमारे पास, तो हम 0 to 1 का मतलब मैं यहां पे बता देना चाहूंगी, हमने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर है हमारा 4, अगर न्यूमिरेटर भी हमारा 4 होगा तो 4 1 4 1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इट मीन्स हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 4/4। अब क्योंकि ये 4 है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम 0 to 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 and 4, ये वाला काउंट नहीं करना हमें, नेक्स्ट से काउंट करना है 1, 2, 3, 4। तो ये 4/4 हो गया। इट मीन्स ये 3/4 है, ये 2/4 है, ये 1/4 है। डिनोमिनेटर में 4 दे दिया हमने और ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पर। अब हमें 3/4 देखना है। तो 3/4 कहाँ है, दिस इज 3/4। तो ये नंबर लाइन पे 3/4 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन 4 पार्ट 2, -5/8। अभी हम नेगेटिव साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ 5/8 देखेंगे। तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिरेटर, इट मीन्स ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका मतलब ये भी लाई करेगा 0 to 1 के बीच में। अब नेगेटिव साइन है तो इट मीन्स 0 to -1 के बीच में ये लाई करेगा कहीं, -5/8। तो नंबर लाइन पे देख लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, नेगेटिव साइन की तरफ को है, इसलिए लेफ्ट साइड को नंबर लाइन बनाई हमने 0 से। फोकस करने डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर है हमारा 8, 0 to -1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये हो जाएगा 8। क्योंकि -1 है, -1 को हम -8/8 भी लिख सकते हैं, 8 1 8 1 तो हमारा क्या बन गया, -1। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 8/8 और नेगेटिव के साइन है इसलिए हमने सबको नेगेटिव साइन दे दिया और डिनोमिनेटर में सबके लिए 8 लगा दिया। ठीक है, अब -5/8 कहां पे है, तो -5/8 ये रहा नंबर लाइन पे। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3, -7/4। इसमें डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिरेटर, साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है। डिनोमिनेटर 4 है जो कि छोटा है न्यूमिरेटर 7 से, इसलिए ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए इसका सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे हम। और मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए कैसे, न्यूमिरेटर वाली चीज अंदर और डिनोमिनेटर वाली चीज बाहर डिवाइड करेंगे, 4 1 4 इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बना है। इसको लिखने का तरीका, 1 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये न्यूमिरेटर में आ जाएगा, 1 3/4 ये मिक्स फ्रैक्शन है -7/4 का। क्योंकि ये रैशनल नंबर नेगेटिव में, इसलिए हम इसे भी नेगेटिव का साइन देंगे। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लाई करेगा -1 एंड -2 के बीच में। ये है हमारा 0, डिनोमिनेटर में 4 है इसलिए हम 0 to -1
इस नंबर लाइन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और माइनस वन टू माइनस टू भी इस लाइन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखिए कैसे, वन टू थ्री ये हो जाएगा फोर, इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम। देखिए ये वन बना, ये टू बना, ये थ्री बना और ये फोर बना, तो ये फोर के आगे हम लिख देते हैं फाइव सिक्स सेवन और ये बन जाएगा एट, क्योंकि डिनोमिनेटर में फोर है इसलिए हम हर जगह डिवाइड में फोर दे देंगे। अब देखिए नेगेटिव साइड को है तो सबको हमने नेगेटिव भी देना है, क्योंकि माइनस वन है हमारा, तो फोर वनजा यानी वन आया यहाँ पे और वो भी माइनस का, यानी ये बिल्कुल ठीक है। इस माइनस वन की जगह मैं यहाँ पे माइनस फोर अपॉन फोर दे सकती हूँ, और यहाँ पर माइनस टू था तो देखिए फोर वनजा फोर, फोर टूजा एट, इट मीन्स माइनस टू, ये माइनस टू ही बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं माइनस टू को क्या लिख सकती हूँ, माइनस एट अपॉन फोर, ठीक है। अब मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, माइनस सेवन अपॉन फोर रिप्रेजेंट करना है, तो वो है ये, तो माइनस सेवन अपॉन फोर नंबर लाइन पे यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन फोर का पार्ट फोर, सेवन अपॉन एट, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिरेटर, इट मींस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है और साइन भी प्लस का है, इट मींस जीरो से ग्रेटर है सेवन अपॉन एट एंड लेस देन है वन, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो टू वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में एट है तो जीरो टू वन हम एट पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये एट आया डिनोमिनेटर में एट, इसको हम न्यूमिनेटर में भी एट कर लेंगे, उसी का मतलब वन होता है, ठीक है। तो वन की जगह हम लिख लेंगे एट अपॉन एट, तो ये क्या हुआ, वन अपॉन एट, टू अपॉन एट, थ्री अपॉन एट, फोर अपॉन एट, फाइव अपॉन एट, सिक्स अपॉन एट, सेवन अपॉन एट, इस तरह से। तो अब हमें क्या चाहिए, सेवन अपॉन एट, तो दिस इज अवर सेवन अपॉन एट ऑन नंबर लाइन।